हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है। मतलब बोलती हूँ ना मैं हर बार की तरह, तो पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज ना मतलब ऐसे ही मेरा मन किया, मैंने कहा कि मेरी पेमेंट आई थी तो मैंने कहा कि यार मैं तो लास्ट टाइम से, बहुत टाइम से इवन कि मैं तो इस पर कुछ वर्क ही नहीं कर रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ एक्चुअली। क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ हो जाती है ना तो हम कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पाते, और इसके लिए जस्ट अगर सिर्फ एक वीडियो ही मुझे बनानी हो तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन पहले खुद पढ़ना पड़ता है, फिर उसके कुछ नोट्स तैयार करने पड़ते हैं, देन वो आपको मैं प्रोवाइड कराती हूँ। तो उसके लिए मुझे एक हफ्ते की, तो मतलब मिनिमम मुझे एक हफ्ता चाहिए ही होता है। तो कहीं ना कहीं टाइम की प्रॉब्लम की वजह से वो चीज़ नहीं हो पा रही है। मतलब मेरे वर्क में ना कंसिस्टेंस है ही नहीं बिल्कुल, मैं सच बता रही हूँ। मतलब ये तो मैं खुद अपनाऊंगी कि मतलब मैं बिल्कुल सही से नहीं कर रही हूँ कोई भी, कभी भी टाइम मिला तो कर दिया, नहीं मिला तो नहीं किया। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि ना यार मुझे ना आपसे ना इंटरेक्ट होना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया, अच्छा मैंने स्टार्ट कैसे किया, मुझे नहीं पता था YouTube के बारे में और इससे अर्निंग होती है, ये तो बिल्कुल ही नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था मुझे। क्या होता था, जब मैं कॉलेज जाती थी ना तो जो भी हम लेक्चर होते थे ना कॉलेज में, तो जो भी मैम पढ़ाती थी या हमें घर से पढ़ने के लिए देती थी, तो नेक्स्ट डे ना वो हमसे ऐसे समराइज करवा देती थी। चलो ठीक है बच्चा, आप बताओ इसका समरी करो, इसकी समरी बताओ इसकी। तो मोस्टली बच्चों को ना वर्किंग थे इस वजह से, या आई डोंट नो व्हाई, तो उनको ना क्योंकि नॉवेल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप नहीं पढ़ सकते इतनी जल्दी, थोड़े बहुत टाइम में उसको नहीं पढ़ सकते। तो क्या होता था कि मैम बोलती थी बताओ इसकी समरी, तो मॉर्निंग में ना सब लोग आके, अच्छा इतना समरी बताइयो, इतना समरी बताइयो, जल्दी इसकी समरी बता दे, इसकी समरी बता दे। तो समरी से क्या होता है कि उसका आंसर देना ना इजीली हो जाता है, हमें पता होता है कि अच्छा ये इसकी समरी है, तो मैम कोई भी क्वेश्चन पूछ दे हम इजीली बता पाते हैं। तो क्या होता था, वो मॉर्निंग में ना मेरे से समरी पूछ लेते थे, कई बार मैं एबसेंट होती थी तो वो मुझे कॉल करते थे कि यार तू ना मुझे वॉइस रिकॉर्ड में सेंड कर दे। तो ठीक है, कई बार ऐसा होता था तो मैं ना उनको वॉइस में वो रिकॉर्ड करके वो चीज़ सेंड करती थी, ठीक है कि ये इसकी समरी है, फिर मैं सबको, फिर सबको सेंड करना पड़ता था। फिर मैंने एक ग्रुप बना लिया पर्टिकुलर कि भाई मैं एक बार सेंड करूंगी, सब लोग सुन लो, फिर ये होता था। तो क्या हुआ कि मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि दीदी आप यूट्यूब पे वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो, इससे मतलब और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने कहा मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं पता मुझे। तो तब हमें नहीं पता था कि इससे अर्निंग भी होती है, ठीक है। तो मैंने मतलब जस्ट मैंने वॉइस ही रिकॉर्ड करी, और मैं सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करती थी, और उसके बाद वो उसमें एडिट करके पिक्चर्स वगैरह लगा के वो ही अपलोड करता था। मतलब अगर मैं बोलूँ कि उसी ने स्टार्ट किया, वही मैनेज करता था, आज भी वही सब कुछ, मोस्टली चीज़ें वही मैनेज करता है। तो सब चीज़ मतलब उसने मुझे बताया ऐसे होता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कॉलेजेस में लोगों को, मेरी क्लास में पता चला, फिर और लोगों को पता चला, फिर उन्होंने अपने भाई बहन को सजेस्ट किया चैनल, ठीक है। तो मेरा चैनल ना, मैं सच बोलूँगी, बहुत जल्दी ग्रो हो गया था। मतलब मैंने कि 2017 में स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम आई वॉज इन फर्स्ट ईयर, मैं मास्टर्स की फर्स्ट ईयर में नहीं, ग्रेजुएशन लास्ट ग्रेजुएशन था मेरे फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के लिए। तो क्या हुआ, जब मैं वो सिलेबस कंप्लीट कर रही थी ना, तो क्या होता था लोगों को ना ये रहता था कि यार ठीक है ना मैडम तो जो भी पढ़ाएंगी, एक तक तो वो समरी कर ही देगी, तो हम उसको विद इन 5 मिनट्स में नाइट में सुन लेंगे, कोई इशू ही नहीं है। तो उससे क्या हुआ ना कि मतलब बहुत जल्दी मेरा चैनल ग्रो हो गया, ठीक है। तो 2017 में मैंने जब बनाया तो 18-19 के मिड में मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया। और जब मुझे ये मैसेज आया ना, मैं आपको दिखाती हूँ, गूगल एडसेंस विद इन अ ईयर मेरे को ये आ गया था, विद इन अ ईयर 1.5 ईयर में मुझे ये आ गया था। इधर मेरी कुछ डिटेल्स हैं, एकता भदौरिया आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मतलब जब मोनिटाइज हुआ ना चैनल, तब मुझे लगा कि वाह यार, मतलब मैं तो मदद कर रही थी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था इससे अर्निंग होती है और हम क्यों बनाते, मैं तो जस्ट हेल्प कर रही थी अपने फ्रेंड्स की। और मतलब उसकी वजह से, जैसे बोलते हैं ना कि दूसरों की मदद करो तो खुद का भला होता है, इस टाइप का हो गया मेरे साथ कुछ, तो मोनेटाइज भी हो गया चैनल, ठीक है भाई। बहुत खुशी हुई, बहुत 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 खुश हुई थी मैं उस दिन की, वाह यार मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करा मैंने, वीडियोस, क्योंकि मुझे तो पढ़ना ही होता था, ठीक है, मुझे अलग से कुछ नहीं करना होता था। जब मैं अपनी पढ़ाई कर ही रही हूँ तो एटलीस्ट उसको समराइज करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, मेरी भी रिविजन हो जाती थी। तो मोनेटाइज होने के बाद ना मैंने 2 साल तक अपना फेस रिवील नहीं किया था। फिर क्या हुआ कि जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आई, ठीक है, तो बहुत खुश हुई मैं। और उस टाइम मेरे भाई ने मुझे बोला कि व्हाई आर यू नॉट रिवील योर फेस दीदी।
मैंने कहा यार अब तो कर सकती हूँ ना, मतलब अब तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि नहीं हुआ, मोनेटाइज नहीं हुआ या सब्सक्राइबर्स नहीं हुए तो मतलब लोग बोलेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, अब तो मैं कर सकती हूँ। और तब मैंने अपना फेस रिवील किया था और आज मैं यहाँ हूँ एज यू सी। तो बहुत अच्छा रहा, ये जर्नी भी बहुत अच्छी रही। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि मैंने इसे कितना कमाया। ठीक है, मेरी फर्स्ट पेमेंट आई, सेकंड पेमेंट आई, थर्ड पेमेंट आई, रिसेंटली मेरी पेमेंट आई है। जबकि आप मानेंगे कि 2 साल का मेरा गैप हो गया था क्योंकि मैं किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रही थी और उसमें मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, और तो 2 साल का मेरा बहुत गैप हो गया, सिस्टर की शादी भी हुई उसमें और हम पापा का ट्रांसफर भी हुआ तो हम इधर से, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हौच-पौच हो गई थी, तो जिसकी वजह से बिल्कुल भी मेरा वर्क इस पर नहीं हुआ। 2 साल का गैप बहुत मायने रखता है। अभी भी मेरा 6 और 7 मंथ का गैप हो गया था मिड में, लेकिन मेरी पेमेंट आई है बिकॉज ऑफ द प्रीवियस वीडियो। लेकिन मतलब बहुत अच्छा था, अभी भी आई तो भी मैं बहुत खुशी थी कि मतलब यार आप लोग अभी भी जान रहे हैं मुझे। ठीक है, अभी भी वीडियोस देख रहे हैं और जो न्यू बच्चे आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है इस वजह से। तो मेरी वजह से अगर 1% भी किसी की हेल्प होती है ना यार, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और थैंक यू बोलूँगी पहले तो आप सबको। और मेरी पेमेंट आ चुकी है, ऐसा तो नहीं बता सकती, पर आप उससे iPhone 14 खरीद सकते हैं। ठीक है, और मतलब बहुत अच्छा था। और मैं तो बोलती हूँ जो न्यू बिगनर्स हैं, मतलब पहले ना इनके जो टर्म कंडीशन होते हैं ना वो पूरे होने होते हैं, जैसे 4000 आवर्स वीडियो आपकी देखी गई होनी चाहिए। तो मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा या हो भी जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी हुआ और मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर जब मैंने अपना फेस रिवील किया तो कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, फेस रिवील करना ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा कि ना मैं अपनी वो वीडियो जिसमें मेरे फेस है वो मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि कहीं ना जो नॉन पर्सन थे वो भी जानने लगे थे, फिर उन्होंने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कहा नहीं यार मैं डिलीट कर देती हूँ, पर भाई ने बोला कि नहीं, अब तो देखो उनको पता ही चल गया डिलीट कर दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनको पढ़ा रहने दो, कोई बात नहीं। तो वो पढ़े रहे और फिर धीरे धीरे मुझे कोलैबोरेशन और प्रमोशंस भी आए, तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि मैं बहुत फेमस नहीं हूँ इस चीज़ इस प्लेटफॉर्म पे, YT पे मैं बहुत फेमस नहीं हूँ, बट आई अर्न फ्रॉम दैट। और इतना कि ठीक है यार, आप कोई जॉब करते हैं तो आपको एक टाइम से, मतलब कि उनकी टाइम टेबल होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, बट इसमें कोई टाइम टेबल नहीं है, है पर फिर भी आप अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी हैं, आप इंडिया में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, कहीं पे भी डाल सकते हैं। बट अगर आप जॉब करें तो पर्टिकुलर आपको उसी जगह पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा इशू होता है अपने आप में। और भी बहुत सारी चीज़ें फेसेस करनी पड़ती हैं, कभी बारिश है, ठंड है, आपको जाना है, लेकिन वीडियोज़ तो आपको घर में बनानी है ना। तो आप लोगों ने मेरा यहाँ तक साथ दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया और वट एवर यू फील कनेक्टेड। सो और क्या जानना है आप लोगों को? ठीक है, और भी कुछ अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं ज़रूर बताऊंगी कि मेरी जो भी मैंने ये स्टार्ट किया, कैसे किया, क्यों किया, या मेरी कितनी बार पेमेंट आई है। ठीक है, और मैं ना आपको स्क्रीनशॉट इसमें पिक्चर्स भी इसमें डाल दूंगी तो आप देख लेंगे। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया जो लेटर वहाँ से आया था। ठीक है, इसको देख के बहुत खुशी हुई थी मुझे। और तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और मेन चीज़ यार खुश रहें। बाय बाय।